नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने ली शपथ। जनसेना पार्टी के चीफ और अभिनेता पवन कल्याण बने डिप्टी सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत एनडीए के कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। पीएम ने गले लगाकर नायडू को दी बधाई। ओडिशा में पीएम मोदी की मौजूदगी में मोहन मांझी ने भी ली सीएम पद की शपथ। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न शामिल होने पर सियासी गलियारों में बयानबाजी हुई तेज। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। जेडीयू ने सफाई में कहा नीतीश के न जाने के हैं कई कारण। वायनाड से सांसद बनने के बाद केरल में राहुल गांधी ने निकाली धन्यवाद रैली। मल्लापुरम में बोले राहुल गांधी, कहा मोहब्बत से हारी नफरत। चुनाव में हारते हारते बचे हैं पीएम मोदी। लोगों ने राहुल गांधी से की वायनाड से सांसद बने रहने की मांग। जम्मू कश्मीर के कठुआ, रियासी और डोडा में हुए आतंकी हमले के बाद अब राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिखे दो संदिग्ध आतंकी, जिसके बाद इलाके में कर दी गई है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। फिलहाल आतंकियों की तलाश के लिए जारी है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कठुआ, रियासी और डोडा में हुए आतंकी हमले के बाद अब राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिखे दो संदिग्ध आतंकी, जिसके बाद इलाके में कर दी गई है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। फिलहाल आतंकियों की तलाश के लिए जारी है सर्च ऑपरेशन। बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आया बयान। कहा 400 पार के नारे के साथ ही गलत नरवेटिव सेट करने की वजह से महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में एनडीए को हुआ नुकसान, लेकिन तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे अपना दम। जम्मू कश्मीर में हुए 3 आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा लगातार लोगों की जा रही है जान, लेकिन पीएम मोदी से नहीं संभल रहा है जम्मू कश्मीर। घाटी में शांति बहाल करने और 370 हटाने वाले लोगों के दावे की है यही सच्चाई। मणिपुर में भी उद्धव ठाकरे ने पूछा सवाल। आरएसएस प्रमुख ने एक साल बाद किया बयान, क्या अब मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले तेजपाल नाम के युवक की यूक्रेन के बॉर्डर पर हुई मौत। दरअसल रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा था तेजपाल। परिवार के मुताबिक टूरिस्ट वीजा पर 12 जनवरी को भारत से रूस गया था तेजपाल और फिर रूसी सेना में हो गया था भर्ती। तेजपाल के अलावा एक और युवक की हुई है मौत। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट के विधायक पद से दिया इस्तीफा। साथ ही अखिलेश ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद को भी छोड़ा। उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव को बना सकती है उम्मीदवार। देश में नहीं थम रहा है बम रखने की धमकी देने का सिलसिला। चंडीगढ़, रांची और दिल्ली के मेंटल हॉस्पिटल में ईमेल के जरिए मिली बम रखने की धमकी, जिसके बाद अस्पतालों में मची अफरा तफरी। सभी मरीजों को बाहर निकालकर बम की तलाशी के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन, हालांकि कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने के बाद अब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संभावित सीट बंटवारे पर भाजपा के साथ शुरू की है बातचीत। सूत्रों के मुताबिक मुंबई महानगर की वर्ली, दादर, माहिम, सेवरी, मांगाठाणे, डिंडोसी, जोगेश्वरी, वर्सोवा, घाटकोपर, पश्चिम चेंबूर, ठाणे, भिमंडी ग्रामीण और कल्याण ग्रामीण समेत मांगी 20 सीटें। विधानसभा चुनाव में वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का मन बना रही है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। सूत्रों के मुताबिक वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ संदीप देशपांडे को चुनावी मैदान में उतार सकती है मन से, जबकि नितिन सरदेसाई को दादर माहिम से और शालिनी ठाकरे को वर्सोवा से चुनाव लड़ा सकती है राज ठाकरे की पार्टी मन से। राम की नगरी अयोध्या में बनने जा रहा है एनएसजी का बड़ा हब। दरअसल अयोध्या में आतंकी खतरे और उससे निपटने को लेकर केंद्र सरकार ने लिया है यह बड़ा फैसला। फैसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कसा तंज। कहा अयोध्या में सिर्फ मार्केटिंग और इवेंट करना चाहती है बीजेपी, सरहद नहीं संभाल पा रही है सरकार।
चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, चिराग पासवान, रामदास अठावले समेत एनडीए का बड़ा कुनबा रहा मौजूद। वहीं डिप्टी सीएम बने अभिनेता पवन कल्याण के भाई चिरंजीवी और रजनीकांत समेत साउथ के बड़े सितारे भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने सभी हस्तियों से की मुलाकात। डिप्टी सीएम बनने के बाद चिरंजीवी ने अपने भाई पवन कल्याण पर लुटाया प्यार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नहीं थम रहा है ईमेल के जरिए बम की झूठी धमकी देने का सिलसिला। स्कूलों, अस्पतालों और एयरपोर्ट के बाद म्यूजियम को उड़ाने की मिली धमकी। रेलवे संग्रहालय समेत राष्ट्रीय राजधानी के कई म्यूजियम को भेजा गया है धमकी भरा ईमेल। जांच के बाद पुलिस ने कहा सिर्फ दहशत फैलाने के लिए दी जा रही है धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगासन करते हुए शेयर किया अपना आई वर्जन वीडियो। ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने बताया वृक्षासन के फायदे। कहा वृक्षासन यानी पेड़ की मुद्रा में किए जाने वाले आसन के होते हैं कई फायदे। ये शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के साथ ही करता है मजबूती प्रदान। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दल। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सभी 288 विधानसभा के संपर्क के प्रमुखों के साथ की बैठक। चुनावी तैयारी में जुटने के दिए निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी। लेकिन तैयारी के बीच खुलकर सामने आई पार्टी में गुटबाजी और अंदरूनी कला। दरअसल स्थापना दिवस के मौके पर विधायक रोहित पवार ने प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल पर अप्रत्यक्ष रूप से साधा था निशाना। जवाब में जयंत पाटिल ने सार्वजनिक बयान देने से बचने की दी सलाह। लोकसभा चुनाव में यूपी की फैजाबाद सीट पर भाजपा के हारने के बाद प्रभावित लोगों को मुआवजा न मिलने के लगे आरोपों पर अब डीएम ने दी सफाई। कहा प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए थे 1,253 करोड़ रुपए। दरअसल राम की नगरी में विकास कार्यों के लिए मकान और दुकान तोड़े जाने के बदले जिला प्रशासन के द्वारा मुआवजा नहीं देने का लगा था आरोप और बीजेपी की हार की बताई जा रही थी यही सबसे बड़ी वजह। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर के लेख में बीजेपी पर कटाक्ष। लिखा महाराष्ट्र में बीजेपी ने अजीत पवार को गठबंधन में शामिल कर घटाई खुद की ब्रांड वैल्यू। अति आत्मविश्वास के चलते इस बार के चुनाव में नहीं मिली पुरानी सफलता। लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्राउंड पर करनी होती है कड़ी मेहनत। सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से नहीं मिलती है सफलता। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले कैदी जयेश पुजारी से कर्नाटक के बेलगावी की अदालत में स्थानीय नागरिकों ने की मारपीट। जयेश पुजारी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार को धमकी देने का भी है आरोप। नितिन गडकरी को धमकी देकर मांगी थी 100 करोड़ की फिरौती। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भी छाया जल संकट। शिवगांव के लोगों को बड़ी मुश्किल से मिल रहा है पीने का पानी। 8 दिनों के अंतराल के बाद एक बार होती है टैंकर से पानी की आपूर्ति। महाराष्ट्र के नासिक जिले में भी बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग। अफ्रीकी देश मालवी में हुआ भीषण विमान हादसा जिसमें उपराष्ट्रपति सोलोस क्लास चिलिमा समेत 9 लोगों की हुई मौत। हादसे से पहले अचानक रडार से गायब हो गया था विमान। तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो सका था संपर्क। हादसे के बाद देश में दौड़ी शोक की लहर। कुवैत के मंगाब शहर में बुधवार की सुबह हुआ दर्दनाक हादसा। यहां एक इमारत में आग लगने से कम 43 लोगों की हुई मौत। आग की घटना में 10 भारतीयों के भी मारे जाने की हुई है पुष्टि। हादसे में 40 लोगों के घायल होने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम विभाग ने आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के साथ हाई टाइड का जारी किया अलर्ट। मुंबई और उपनगर में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। 13 जून की शाम 4 बजे के आसपास 3 मीटर से अधिक ऊंची हाई टाइड और रात 10:45 पर 2 मीटर लो टाइड आने का जताया अंदेशा। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।